एक जंगल में टुनटुन चिड़ा, टोनी चिड़िया और उनका एक बेटा कुकू रहा करते थे। कुकू आज मीठा सेब खाने की जिद कर रहा था। पापा पापा, आज मेरा मीठा सेब खाने का जी कर रहा है। हाँ हाँ कुकू बेटा, मैं तुझे ज़रूर लेकर दूंगा सेब। मैंने पुराने जंगल में देखा है, दो पेड़ लगे हुए हैं सेब के, उन पेड़ों पर सेब भी लगे हुए हैं। लेकिन कुकू के पापा, वो पुराना जंगल तो हमारे घर से बहुत दूर है। अगर मेरे बेटे को सेब खाने हैं, मैं ज़रूर लेकर दूंगा सेब। फिर वह तीनों सेब के बगीचे में पहुंच जाते हैं। फिर टुनटुन चिड़ा एक एक कर तीन सेब तोड़ लेता है। फिर वह तीनों अपना अपना सेब लेकर घर आने लगते हैं। फिर उन्हें रास्ते में मिट्ठू तोता मिल जाता है। अरे टुनटुन भैया, तुम ये सेब कहाँ से लेकर आए हो? मुझे तो बहुत मीठे सेब लग रहे हैं ये। अरे मिट्ठू, हम तो पुराने जंगल से लेकर आए हैं ये सेब। अरे टुनटुन भैया, वो पेड़ तो एक दुष्ट बाज के हैं। कहीं उस बाज को आपके बारे में पता ना चल जाए, नहीं तो आपको कच्चा ही खा जाएगा वो बाज। अच्छा हुआ कालू भैया आपने बता दिया, हमें नहीं पता था वो पेड़ दुष्ट बाज के हैं। हम कभी भी नहीं चाहेंगे वहाँ सेब लेने के लिए। फिर वह तीनों अपने घर आ जाते हैं। कुकू के पापा, आज तो हमारा दिन ही अच्छा था, हम उस बाज के हाथ नहीं लगे, नहीं तो वो हमें कच्चा ही खा जाता वो बाज। अगले दिन कुकू के मन में उन मीठे सेबों को लेकर लालच जाग जाता है। मम्मी पापा, आज भी सूखा दाना लेने गए हैं, मुझे आज भी सूखा दाना खाना पड़ेगा, कल वाले सेब कितने मीठे थे। मैं ऐसा करता हूँ, मम्मी पापा के आने से पहले वो सेब खाकर आ जाता हूँ मैं घर। कुकू दूसरे जंगल पहुंच जाता है सेब खाने के लिए और अपने मम्मी पापा के आने से पहले वो घर आ जाता है। और ऐसा करना कुकू की आदत बन चुकी थी, वह दूसरे जंगल जाता सेब खाकर अपने मम्मी पापा के आने से पहले घर पहुंच जाता था। एक दिन सेब के पेड़ों के पास बाज आ जाता है। कौन है वो मूर्ख चोर जो मुझसे बिल्कुल ही नहीं डरता, वो मेरे सेब चुरा कर चला जाता है। उसे कल आने दो, उसे मैं बताता हूँ कैसे सेब चोरी करा करते हैं। अगले दिन फिर से आ जाता है कुकू सेब खाने के लिए और तभी वहाँ एक बाज आ जाता है और कुकू को खूब मारने लग जाता है। अरे चिड़िया के मूर्ख बच्चे, तू ही है वो जो मेरे रोज सेब चोरी कर लेता है, तुम्हें किसी ने बताया ही नहीं क्या? ये जंगल के राजा बाज के सेब हैं, बाज के। सॉरी बाज अंकल, आगे से चोरी नहीं करूँगा मैं, मुझे माफ़ कर दो बाज अंकल। तभी वहाँ टुनटुन चिड़ा और टोनी चिड़िया आ जाते हैं कुकू को ढूंढते ढूंढते। बाज भैया, मेरा कुकू अभी बहुत छोटा है, उसे पता नहीं है ऐसे बुरे कामों के बारे में, कृपया करके उसे माफ़ कर दें। अरे टोनी बहन, तो एक बार तूने मेरे बच्चे की जान बचाई थी बड़ी बारिश में, इसीलिए मैं तुम्हारे बच्चे को छोड़ रहा हूँ, नहीं तो मैं इसे कच्चा ही चबा जाता जे तू मेरे पास न आती। अरे बाज भैया, मैं आपसे पक्का वादा करती हूँ, आगे से मेरा कुकू कोई गलत काम नहीं करेगा, मैं इसे घर जाकर समझा दूंगी। हाँ हाँ अंकल, मैं आगे से ऐसे गलत काम कभी नहीं करूँगा। हाँ हाँ टोनी बहन, मैं तुम्हारे लिए इसे छोड़ रहा हूँ, मगर इसे समझा दो चोरी करना बुरी बात है। फिर कुकू समझ जाता है चोरी करना बुरी बात है और फिर वह अपने माता पिता से कहता है, मैं आगे से चोरी नहीं करूँगा। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।